जब मैं इसके मुंह से अपने लिए आप सुनती हूँ तो न जाने क्यों मेरी आंखों के गोशे भीग जाते हैं। मुझे अपना आप मामूली सा, अपना आप कीमती लगने लगता है। ऐसा लगता है जैसे जैसे इसने मुझे मिनटों में फर्श से अर्श पर बिठा दिया हो। मर्द अगर मोहब्बत ना भी कर पाए ना, तो इसकी तरफ से मिलने वाली इज्जत ही सारा आसमान होती है। मर्द मोहब्बत देकर मुकम्मल नहीं होता, मर्द तब मुकम्मल होता है जब वो किसी औरत को इज्जत देता है। और तुम जैसे मैं तहरीरों में तुम कहकर मुखातिब करती हूँ, तुम वो वाहिद शख्स हो जिसका साथ मैंने अपने रब से रोकर मांगा है। आंखें, मुस्कुराहट, चेहरा, ये सब तो महज किताबी बातें हैं। जिस चीज़ ने मुझे बेबस किया है वो इसका मुझे इज्जत और एहतराम देना था। वो कैसा है मैं इसके बारे में इतना सोचती हूँ कि फिर वो मुझसे तहरीर नहीं हो पाता। वो सोचों में तो बनता है मगर कागज़ पर कलम के बिखरे हुए नुक्ते ही रह जाते हैं। आज अगर वो खामोश हो जाता है तो मुझे खुद से उलझन होने लगती है। मेरे लिए ज़िंदगी गुजारा बनकर रह गई थी मगर इसके मेरी ज़िंदगी में आने के बाद मेरी ज़िंदगी ख्वाहिशात का समंदर बन गई है। काश मैं अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा तुम्हारे साथ के साथ गुजार सकती।